हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल जीरो, हेयर वाई इक्वल वन बहन एक्स इक्वल वन। स्टूडेंट यहाँ एक कंडीशन दे रखी है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 होगी। तो स्टूडेंट इस कंडीशन का मतलब है लास्ट में c आएगी तब हमको c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ आप समझिए कौन सा सॉल्यूशन ज्ञात करना है स्टूडेंट, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। गिव डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल जीरो, इम्प्लाई x प्लस वाई डी वाई इक्वल माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स। स्टूडेंट इसको एडजस्ट करके डी वाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। खैर स्टूडेंट न्यूमेटर एंड डिनोमेटर में एक्स का डिवाइड कीजिए तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट डी वाई डी एक्स इक्वल माइनस वन माइनस वाई अपॉन एक्स अपॉन वन प्लस वाई अपॉन एन। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है। इक्वेशन नंबर 1 इज ए होमोजीनियस इक्वेशन, लेट वाई अपॉन एक्स इक्वल बी इम्प्लाइज वाई इक्वल बी एक्स। डेरिवेटिव कर दीजिए स्टूडेंट, इम्प्लाइज डी वाई डी एक्स इक्वल बी एज इट इज एक्स का 1 प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से 1 में वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारे पास स्टूडेंट ये लाइन आ जाएगी बी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी इम्प्लाइज एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल बी को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। और स्टूडेंट इसको कैलकुलेशन करेंगे 1 प्लस बी एलसीएम आ जाएगा तो ये लाइन आ जाएगी स्टूडेंट एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस 1 माइनस बी ब्रैकेट माइनस बी 1 प्लस बी अपॉन 1 प्लस बी। इसको मल्टीप्लाई करते हुए स्टूडेंट बी से बी कैंसिल हो जाएगा सो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस कॉमन ले लीजिए 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन बी। तो स्टूडेंट क्लियर है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो देयर फोर 1 प्लस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डी वी इक्वल माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डी वी इक्वल माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। स्टूडेंट हेयर अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डी वी प्लस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डी वी। स्टूडेंट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स होता है तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर का टेन इनवर्स बी। और यहाँ स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो 1 प्लस बी स्क्वायर को टी लेट कीजिए जिससे कि 2b dv इक्वल dt आ जाएगा, b dv इक्वल dt अपॉन 2 आ जाएगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट लाइन ये आ जाएगी स्टूडेंट टेन इनवर्स बी इक्वल हाफ लॉग टी इक्वल माइनस लॉग एक्स प्लस सी वन। बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन आ जाएगी 2 टेन इनवर्स बी प्लस लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए स्टूडेंट, टी हमने ले 1 प्लस बी स्क्वायर टी लेट किया टी इक्वल 1 प्लस बी स्क्वायर पुट कर दीजिए तो माइनस 2 एक्स लॉग माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 2 सी आ जाएगा स्टूडेंट। हेयर स्टूडेंट बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, बी क्या लेट किया हमने बी इक्वल वाई अपॉन एक्स पुट कर दीजिए, वाई अपॉन एक्स इक्वल बी लेट किया तो बी इक्वल वाई अपॉन एक्स पुट करने पर स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन ये आ जाएगी तो यहाँ से स्टूडेंट एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा और लॉग एम प्लस एन इक्वल लॉग एम एन का फॉर्मूला करते हुए ये लाइन आ जाएगी स्टूडेंट इम्प्लाइज टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी बचेगा। इक्वेशन नंबर 4 नाउ गिवन वाई इक्वल 1 बहन एक्स इक्वल 1 पर, तो स्टूडेंट यहाँ वाई और एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए देन 2 टेन इनवर्स 1 अपॉन 1 लॉग 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी। तो 2 टेन इनवर्स 1 का मान हम जानते हैं स्टूडेंट टेन इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है क्योंकि टेन 45 की मान 1 होता है, पाई बाई 4 का मान 1 तो टेन इनवर्स 1 इक्वल पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 1 लॉग 2 टू सी। स्टूडेंट टू सी इक्वल पाई बाई 2 प्लस लॉग 2 आ जाएगा, पुट वैल्यू ऑफ टू सी इन इक्वेशन नंबर 4 देन 2 टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल पाई बाई 2 प्लस लॉग 2। इट इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक्स स्टूडेंट।